नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दो चीज़ें होने वाली हैं, एक तो भाई दूज है। भाई दूज पर बहन अपने भाई को टीका करती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसके अलावा शाम को होने वाला है गोवर्धन पूजन, तो आज का ब्लॉग स्पेशल रहने वाला है क्योंकि साल में एक बार ही ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और ये फेस्टिवल किस तरीके से मनाए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, कंप्लीट हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। ब्लॉग को शुरू करने से पहले ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। चलिए देखते हैं आज घर पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। के दिन हमारे यहाँ पे जो खाने बनते हैं वो कढ़ी चावल बनते हैं और मम्मी बनाने में लगी हुई हैं, बाकी सभी कपड़े वगैरह धोने में और काम को फ्री करने में लगी हुई है। रुत भी अपनी शरारत कर रही है और कढ़ी चावल हमारे इधर बनते हैं, आपके यहाँ बनते हैं या नहीं आप कमेंट करके बनाइए, आज बताइए। आज के दिन तो हमारे यहाँ शुरू से जब से हम देख रहे हैं जब से कढ़ी चावल ही बन रहे हैं। तो फाइनली 9:53 हो गई है, लगभग 10 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारी बहन आ चुकी है और इधर रुतवी शरारत करने में लगी है। तो बाकी का अभी देखो, टीका होने से पहले कुछ कहानी वगैरह सुनी जाती है, वो प्रोग्राम होगा। और बाकी का आप देख सकते हैं इन दोनों को यहाँ पे लगे हुए हैं। नाम ले रही है, तो नाम नहीं लेते, नाम ले रही है बुआ का, तो बुआ का नाम लेती है रुतवी। कभी कभी अपने पापा का भी नाम लेगी, मम्मी का भी लेगी। तो इतनी शरारती है, देखो मामा के यहाँ पे जा रही है सज धज के। यहाँ पे पूजा की तैयारी होने से पहले मावर लग रहा है सबसे पहले रुतवी के। देखो पैर कलरफुल हो रहे हैं, वैसे भी रुतवी अपने मामा के यहाँ पे जाने वाली है। ओए रुतवी, रुतवी क्या करवा रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ, और सभी लोग लगाने वाले हैं, यही लेडीज और लड़कियां। तो अभी हम आ गए हैं गोवर्धन महाराज के पास और यहाँ पे पूजा होने वाली है। तो ये हैं गोवर्धन महाराज और यहाँ पे रुतवी मम्मी और यसी वगैरह सभी लोग बैठे हैं। ये गोबर से बनाए जाते हैं और शाम को इनका पूजन भी होगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फाइनली टीके का टाइम हो चुका है और यहाँ पे सभी तैयार होके बैठ गए हैं। तो हमारी बहन भी बैठी है, मम्मी थाली लगा के ले आई है। अब सभी के एक एक करके टीका कर दें, तो एक एक करके सभी टीका करवाएंगे। तो दिव्यांशी की हाइट कम है जिस वजह से उसे ऊपर खड़ा करना पड़ता है, और रुतवी को भी ऊपर ही कर दो, अब कर देगी वो। कर दो कर दो ऐसे ही, चावल लगा दो, मिठाई खिला दो। तो सबसे पहले बड़े भाई के टीका करवा रही है और रुतवी पीछे पीछे रहेगी। ला चावल लगा दे, फोटो खींच दूं एक मिनट। बहन के लिए गिफ्ट होता है तो गुन्नू को गिफ्ट मिल रहा है, चलो ले लो, वीडियो बन रही है गुन्नू की। रुतवी के छू लो, रुतवी के पैर ही नहीं छुए। चलो चलो मयंक, कर दो मयंक के टीका। कर दो, ओए होए, तो मयंक के टीका कर दिया भाई। लग गया, चलो रुतवी भी कर रही है। चलो ला, बस चावल लगा दे। रुतवी मांग रही है ला, ले ले कड़वा मांग, वो टीका लगवा ले रुतवी दे। तो रुतवी को गिफ्ट में घड़ी मिल चुकी है और यहाँ पे बांध ली है। टाइम ऐसे ही देखा करना, ठीक है। लो
फोटो खींचो डेढ़ हफ्ते तुम टीको करवा रहे हो पे पैसा सब पैसा देंगे एक रुपया दियो बस छोटा सा निकाल रहा है चलो हो गया बस ये तो फोटो खींचा बाद में पहले खवाए पे लो ठीक वाला करोगे और कर चलो। तो अभी गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे थाली लगना स्टार्ट हो गई। तो आज जो भाई द्वेज थी तो सभी का टीका हुआ, मम्मी के भी जो भाई के लड़के थे वो आए थे, इसके भी दोनों भाई आए थे और हमारी भी बहन आई। बाकी का रुतबी वगैरह अपनी मामा के यहाँ चली गई। तो यहाँ पे सामान रखा जा रहा है, तैयारी की जा रही है, पूड़ी वगैरह जो गोवर्धन पर रखी जाती है, उसके बाद गोवर्धन परिक्रमा शुरू होगी, पूजा शुरू होगी, वो सारी हम आपको दिखाएंगे। हाँ पैरों से हल्दी लगानी है। चलो बढ़िया।
ये हमारी कॉलोनी के भैया जो कि सबको प्रसाद बेच रहे हैं, बांट रहे हैं। मेरे को भी लड़कियों को नहीं देते? नहीं, लड़कियों को भी मिलता है। अरे भैया इनके मजे हैं लड़कों के। मैं जूम आउट कर ही जा रही हूँ। अभी हम सुधार लाएंगे अगले साल। हाँ, जब शुरुआत हुई है थोड़ा कमियाँ रहती है, अगली बार थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा ऐसे स्पेस से बनेगा कि आराम से। आधे 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 तक मतलब खड़ा है ना और ऊपर। हाँ ऊपर। गोवर्धन और भाईदूज होने के बाद हम जा रहे हैं एक शादी में। आज एक शादी का फंक्शन है कॉलोनी के अंदर, तो मैं सीधा शादी के लिए निकल रहा हूँ। तो आज का ये ब्लॉग कैसा रहा आप कमेंट करके बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। और थैंक यू आज का ये ब्लॉग देखने के लिए।